तो आज हम बनाएंगे मटर की सब्जी, और वो भी बिल्कुल नए तरीके से और बहुत ही कम ऑयल में। और ये बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दो प्याज ले लिया है, और अब हम इसे इस तरीके से रफली चॉप कर लेंगे। और दो टमाटर हम इसे इस तरीके से कट कर लेंगे जिससे इसके छिलके आसानी से निकल जाए। और दो हरी मिर्च, 7 से 8 लहसुन और 1 इंच अदरक। और यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया, इसमें 1 ग्लास पानी डाल देंगे और 1 कटोरी फ्रेश मटर, और जो हमने अभी जो जितने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं सब्जी, वो सारे इसमें डाल के हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए हम इसे बॉईल कर लेंगे। बॉईल करके बनाने की वजह से ये रेसिपी बहुत ही कम ऑयल में बनके तैयार हो जाता है। तो इस रेसिपी को एक बार आप जरूर ट्राई करें। और अब 10 मिनट्स हो चुके हैं, ये अच्छे से बॉईल हो चुका है। हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और मटर को छोड़ के हम सारे इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंडर जार में डाल के इसे ग्राइंड कर लेंगे। और अब मैंने पैन पे 1 बड़ा चम्मच ऑयल ले लिया है, और अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून जीरा डाल देंगे। और मैंने कुछ खड़े मसाले ले लिए, जैसे 1 तेज पत्ता, 1 इंच दालचीनी और 1 बड़ी इलायची। और अब हम इसे 10 से 20 सेकेंड के लिए से फ्राई कर लेंगे। और इसमें ग्राइंड किए हुए प्याज टमाटर के पेस्ट को डाल देंगे, और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए ऑयल सेपरेट होने तक हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए से फ्राई कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है। और यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक मसाले ले लिए हैं, जैसे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 2/3 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। और अब मैंने ले लिया 2 टेबल स्पून फ्रेश मलाई, जिसे अच्छे से फेंट लिया है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए ऑयल को सेपरेट होने तक हम इसे फिर से फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें बॉईल किए हुए मटर को डाल देंगे, और इसमें मैंने वही पानी यूज़ किया जिसमें मैंने मटर को बॉईल किया था। आप चाहे तो पानी की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, या फिर आपको ग्रेवी जो है थिक लगे तो आप और पानी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला ले लिया, और अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमारा मटर की सब्जी जब बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे आप एक बार जरूर ट्राई करें, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।